हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज के क्लास के अंदर हम पंजाब प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज फिर हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्या है? ट्रेन्स पे क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 550 मीटर एंड 450 मीटर एंड 550 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड्स ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस करना है। तो जब भी ट्रेन का क्वेश्चन होता है तो एक दूसरे को क्रॉस करना है, दैट मीन्स कि एक ट्रेन पहले दूसरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है, उसके बाद में खुद को भी तो उसने क्रॉस करना है। दैट मीन्स कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, उन दोनों की लेंथ के इक्वल होगा। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस आप क्या कंसीडर करके चलोगे? 450 प्लस 550। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 100 मीटर। देन आप देखिए यहाँ पे 100 मीटर आ गया आपके पास में। अब 100 मीटर इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 किलोमीटर, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर एंड द स्पीड। अब आगे क्या है क्वेश्चन कि आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैंने लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ सिंपल सिंपल से कीवर्ड्स गिवन होते हैं, अगर हम उनको पहचान लेते तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है और एक्यूरेट हमारा आंसर आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, उसने क्या कहा है कि सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग है एंड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस वी विल टेक द रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। हेयर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी फिर आपकी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम विल बी, टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये आपके पास में क्या आ गया? आर में आ गया। अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शंस आपकी मिनट के अंदर है, तो आप इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 के साथ में। सो दिस विल बी 3 मिनट्स। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 मिनट्स। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिंपल हमने करना क्या है कि डिस्टेंस लिया, रिलेटिव स्पीड ली, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या आ गया? टाइम आ गया। उसके बाद में हमने टाइम आर के अंदर था उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 3 मिनट्स। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्या है? ए बोट गोज 15 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस द टाइम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम के केस में दो चीजें होती है, एक तो स्टिल वाटर, जो वाटर है वाटर की स्पीड, और दूसरा करंट, या आप कह सकते हो स्ट्रीम या धारा की गति, आप ये कह सकते हो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? कह रहा है कि बोट के जो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड है वो गिवन है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं बी। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसने क्या कहा है? इन 1 आवर। डन। अब उसके बाद में कह रहा है इट टेक्स थ्राइस टाइम इन कवरिंग सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मीन्स कि अपस्ट्रीम जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिस्टेंस तो उतना ही है 12 किलोमीटर, और टाइम क्या है? थ्राइस द टाइम। थ्राइस द टाइम पहले 1 आवर था, अभी कितना है? 3 आवर है। दैट मीन्स कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। और आप सभी को पता है कि जब डाउन स्ट्रीम जाता है बोट, तो उस केस के अंदर बोट की स्पीड मीन्स जो स्टील वाटर के अंदर बोट की स्पीड है प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्ट्रीम में से स्पीड के अंदर से माइनस हो जाती है। दैट मीन्स कि जो ये हमारे पास में अपस्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड है, ये क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? दिस इज बोट माइनस स्ट्रीम स्पीड। ओके, तो ये हमें क्या गिवन है? 4 किलोमीटर गिवन है। अब हमें ये भी पता है कि B की वैल्यू क्या है? 12। सो यहाँ पे हम B को कर देंगे 12 पुट,
एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8, ठीक है, क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, सो योर आंसर विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्ट्रीम दोनों की ऐड हो जाती है, जब अप स्ट्रीम जाता है तो उस केस के अंदर बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द क्वेश्चन। एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था आपको कि पीपीएससी वालों का फेवरेट सब्जेक्ट है एजिस, तो एजिस जरूर करके जाना है आप लोगों ने। एजिस पे आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन एजिस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। कौन है? अरुण है एंड द सेकेंड पर्सन इज दीपक, और दोनों की एज का रेशियो है 4:3। अब उसके बाद में कह रहा है आफ्टर 6 ईयर्स अरुण्स एज विल बी 26। आफ्टर 6 ईयर अगर वो 26 ईयर्स का है, दैट मीन्स कि अरुण की प्रेजेंट एज क्या है? हाँ जी, कितनी हो जाएगी? 26 - 6 दैट मीन्स 20 ईयर्स। कितनी हो गई है? 20 ईयर्स हो गई है। अब अरुण की एज ने बताया है कितनी है? 20 ईयर्स। दैट मीन्स अगर हम दीपक का कंसीडर करें तो 4 = 20, 1 = 5, दैट मीन्स 3 = कितना आ जाएगा? 15। सो आंसर विल बी 15 ईयर्स। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, 4 = 20, 1 = 20/4 एंड 3 = ये हो गया आपके पास में 5, सो 5 × 3 = 15। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। डन, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन ए डॉटर। एक कपल फैमिली है, फैमिली के अंदर एक कपल है, एक डॉटर है उनकी, एक उनका सन है, ठीक है। द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ द डॉटर। एज ऑफ फादर, जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे राइट डाउन करते हुए चलिए। आप हम ये ले लेते हैं कि जो डॉटर है, डॉटर की एज हमने ले ली एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या कहा, द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ डॉटर। एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ डॉटर, दैट मीन्स इट विल बी 3x। देन द एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ मदर। देन आगे क्या है, द वाइफ इज 9 ईयर्स यंगर टू हर हस्बैंड। जो वाइफ है, मतलब कि जो मदर है, मदर लिख लेते हैं वाइफ की बजे, जो मदर है, जो वाइफ है वो हस्बैंड से 9 ईयर यंगर है। 9 ईयर यंगर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता है कि फादर से वो क्या है, 9 ईयर यंगर है। यहाँ पे क्या है, 3x है, सो इट विल बिकम 3x - 9। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, एंड द ब्रदर इज 7 ईयर्स ओल्डर देन द सिस्टर। जो ब्रदर है, जो ब्रदर है सन है, दैट इज 7 ईयर्स ओल्डर देन सिस्टर। ये सारे आ गए हमारे पास में। अब फाइंड क्या करना, व्हाट इज द एज ऑफ मदर, मदर की एज फाइंड आउट करनी है। अब देखो सारा हमारा एक्स एक्स के अंदर आ गया इस वाले इक्वेशन को छोड़ के, तो अब यहाँ पे भी हम एक्स के अंदर पुट कर लेते हैं। हमने यहाँ से देखा सन इज इक्वल टू, तो सन के लिए मैंने लिखा x + 7 = 1/2 ऑफ मदर, एंड मदर की वैल्यू क्या है, 3x - 9। ओके, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x + 14 = 3x - 9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, 23। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 23 आ गई। अब x की वैल्यू 23 है, दैट मीन्स डॉटर इज 23 ईयर्स ओल्ड, बट योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ मदर, मदर की एज आपको फाइंड आउट करनी है, और मदर की एज क्या थी, 3x - 9। तो x की जगह पे अगर मैं 23 पुट करती हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 69 - 9, दैट मीन्स 60 ईयर्स। सो योर आंसर विल बी 60 ईयर्स। ओके, 23 × 3 = 69 - 9, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 60 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन है नंबर सीरीज. अगेन नंबर सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर सीरीज देखिए क्या है. अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है. इन नंबर सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पैटर्न. और जब अगर हमें पैटर्न मिल गया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3, 8, 22, 63, 185 एंड देन क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 से 185 की तरफ जा रहा है ये. अगेन 3 के मल्टीपल के, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है, और 8, 9 के नियर बाई वैल्यू है. इसी तरह से 22 × 3, 66 नियर बाई वैल्यू है. 8 × 3, 24 नियर बाई वैल्यू. सारे 3 के मल्टीपल के नियर बाई वैल्यूज आ रही हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए आप क्या पैटर्न है. आई थिंक पैटर्न पता चल गया होगा, हिंट दे दिया है मैंने आप लोगों को. क्या है, 3 × 3, 3 × 3 − 1 = 8. अगेन 8 × 3 − 2 = 22. उसके बाद क्या है, 22 आ गया आपका. 22 × 3 = 66, 66 − 3 = 63. देन 63 × 3 − 4. दिस विल बी 189 आ गया. 189 से हम माइनस करेंगे 4, वी गेट 185. देन क्या करेंगे, 185 × 3. अब देखो पैटर्न क्या चल रहा है आपका, 3 से मल्टीप्लाई करें और हर बार एक एक नंबर इंक्रीज करके माइनस हो रहा है, 1, 2, 3, 4. तो अब क्या होगा, 5 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, −5 एंड द वैल्यू विल बी, दिस विल बी 550. ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 550 विल बी द करेक्ट आंसर. यस, क्लियर. क्या किया है हमने यहाँ पे, पहले एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी. तो उसके बाद में उसके अंदर से 1 माइनस हुआ है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है. अगर हम डिफरेंस निकाल के करते हैं तो हो नहीं रहा, सिंपल सी बात है. तो हमें कोई ना कोई पैटर्न उसके अंदर से ढूंढना पड़ेगा. तो पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई देन माइनस 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 1, 8 आ गया. सेकेंड केस के अंदर आपके आ गया 8 × 2, 3, 30. ये था आपका 24 − 2 = 22. देन 22 × 3 = 66, 66 − 3 = 63 आ गया आपके पास. 63 × 3 = 189, 189 − 4 = 185. दैट मीन्स कि सेम पैटर्न ही आगे फॉलो होगा. आगे हमारे पास में क्या आ गया, 185 × 3 − 5, दैट मीन्स 550 आपका आंसर आ गया. ओके, सो क्लियर, आपके आंसर क्या आ जाएगा, 550. नेक्स्ट देखते, अगेन नंबर सीरीज है. क्या है, 3, 15, 3, 15, 4, 5, 17, 6 क्वेश्चन मार्क एंड देन 7. तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 के बाद क्या जा रहा है, 4, 5, 6 और उसके बाद 7. मीन्स मल्टीपल सीरीज यूज हो रही है आपके यहाँ पे, ठीक है. मल्टीपल सीरीज अगर यहाँ पे यूज हो रही है तो दूसरी सीरीज का पैटर्न हम देखते हैं, 15, 16, 17. तो यहाँ पे क्या आएगा, 15, 16, 17, 18. सो आंसर विल बी 18. ये तो बिल्कुल ही ईजी था, है ना, ये तो बिल्कुल ही ईजी आ गया. डन. मैंने कहा काफ़ी, मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी बहुत टफ पेपर आता है. प्रीवियस ईयर का आप देख ही रहे हो क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको. तो लेवल, कुछ क्वेश्चंस का लेवल इजी है, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हैं. तो अब यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. यस, दिस इज द क्वेश्चन. अगेन एजेस पे क्वेश्चन है. कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशियो 5:4. 5:4 प्रेजेंट जो एज है समीर और आनंद की क्या है, 5:4. डन. दैट मीन्स वी कैन से कि जो एज है इनकी वो कितनी हो गई, किसी कॉन्स्टेंट के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी 5x, दिस विल बी 4x. ये कितना आ गया, 4x आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप,
क्या है क्वेश्चन आगे कह रहा है, 3 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9, 11:9 हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद में। दैट मीन्स जब रेशियो है, रेशियो को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5x/4x लिख सकते हैं। अब उसने कहा 3 ईयर हैंस मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स, दैट मीन्स वी विल एड 3 हेयर एंड 3 हेयर एंड द न्यू रेशियो इज 11:9। ओके, तो कितना हो गया, ओके तो ये हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, ये हो गया एक्स और ये 7 और 6 13, यस एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज आनंद्स प्रेजेंट एज, तो आनंद्स की प्रेजेंट एज क्या थी, 4x एंड वी हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 4 × 6 इज इक्वल टू 24। आनंद की एज कितनी आ गई आपके पास, 24 ईयर्स आ गया। क्लियर, यस, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मस्ट है। मैं ये कहूंगी कि आपके जो प्रिपरेशन है उसको अगर आप चाहते हो कि हाँ जी प्रॉपर स्ट्रीमलाइन हो जाए, मेरे को खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी मेरा, अगर मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरा ही एग्जाम क्लियर होगा पूरे एग्जाम सेंटर के अंदर से, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी आना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज से आपका क्या होगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो और उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, इन दैट केस हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। तो इसलिए मैं हम अभी पीडी अभी आप लोगों के लिए 2 टेस्ट सीरीज लेके आया है, आप कोई मर्जी इसके अंदर से परचेज कर सकते हो। आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन के अंदर आपके टोटल 30 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यस टोटल 30 टेस्ट है और इन 30 टेस्ट के अंदर से 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अभी हमारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, अभी हमें टॉपिक्स के ऊपर भी वर्क करना है, तो वो ये वाली परचेज करें। देखो मैं आपको जो सलाह दूंगी वो ये है कि अगर आपको लगता है कि हमें अभी टॉपिक्स के ऊपर भी वर्क करना है, मैंने पहले तैयारी नहीं कर रखी। देखो दो तरह के लोग हैं, एक लोग वो है जिन्होंने जैसे ही पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी उसी टाइम पे फॉर्म फिल कर दिया था, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया था तो वो उस टाइम से ही तैयारी करनी उन्होंने शुरू कर दी थी, और अब उनको क्या है कि एक एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या करना है, सारा का सारा रिवाइज करना है। ओके, तो आप उस केस के अंदर टेस्ट ये जो है आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये आप ज्वाइन कर सकते हो कि हाँ जी हमने टॉपिक पे तो वर्क कर रखा है। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी ही फॉर्म फिल किया है, क्योंकि अभी पीछे जो अपनी डेट एक्सटेंड हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया है, तो ऑब्वियसली उनको सिंगल सिंगल टॉपिक के ऊपर भी वर्क करना है, तो उसके लिए ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये बेटर रहेगी। इसके अंदर 20 आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक के अंदर जो टेस्ट है टेस्ट के साथ में हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता, साथ में नीचे सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो उससे सॉल्यूशन आप करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो वो सारे के सारा आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अब यहाँ पे अगर आपने जस्ट तैयारी काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जीके हैं काफ़ी टाइम से आपका आप छोड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिस लाइन में हैं आप, ठीक है, तो जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं तो वो यही होता है कि हाँ जी जो काम है सिर्फ वो करो, एक्स्ट्रा स्टडी कौन करेगा, तो यहाँ पे उनके लिए ये बेटर है, ठीक है, कि एक बार सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद में हमने क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट पे वर्क करना है। और जिन्होंने तैयारी कर रखी है टॉपिक के लिए उनके लिए ये वाला बेटर है। अल्टरनेटिव डेज पे हम एक एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके अंदर भी क्या है, टेस्ट के सॉल्यूशन आपको साथ में अवेलेबल है। देन कि अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप अपने पेपर का एनालिसिस करिए, उसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिए। देन ओके, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम, यस। अब देखो जो प्रीवियस ईयर के अंदर एक DIB एग्जाम के अंदर आई हुई थी, ठीक है, मैं नहीं कहती कि हाँ जी इस बार मुझे नहीं पता कि DI एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पहले से,
ठीक है, बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको अब मैं अभी आप लोगों के साथ में सॉल्व करवा रही हूँ, एटलीस्ट आपको लेवल का पता चल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डीआई आ भी जाए एग्जाम के अंदर, सो डीआई भी करनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, हम ये वाली डीआई डिस्कस कर रहे हैं, क्या है देखो, कह रहा है ए स्कूल हैज फोर सेक्शंस ए बी सी डी ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स, द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स आर शोन इन द टेबल। हाफ ईयरली और यहाँ पे क्या कह रहा है, हाफ ईयरली के और एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स शो किए गए हैं। क्या है स्टूडेंट्स, पहले आपके फोर सेक्शंस गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, क्या है स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, जो दोनों के अंदर फेल हुए हैं, सेक्शन ए बी सी डी डन। स्टूडेंट्स फेल इन हाफ ईयरली एंड पास्ड इन एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली में फेल हैं, फेल इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, ओके। एंड द थर्ड है आपके पास में, स्टूडेंट्स पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, बट फेल हो गए हैं किसमें, एनुअल के अंदर। स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स, जो दोनों के अंदर पास है, क्लियर, यस। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच सेक्शन हैज मिनिमम फेलियर रेट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मिनिमम फेलियर रेट। तो फेलियर रेट होता क्या है, फेलियर रेट मतलब कि जितने भी टोटल फेल हुए हैं कैंडिडेट्स डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फेलियर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले चारों सेक्शंस का आप फेलियर रेट फाइंड आउट करोगे, एंड आफ्टर दैट आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ जी कौन से सेक्शन का फेलियर रेट सबसे कम है, ओके। सो देखिए अब कैलकुलेशंस करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले फेलियर रेट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो दोनों के अंदर फेल हुए, ठीक है, दोनों के अंदर फेल हुए, और जो आपके पास में हाफ ईयरली के अंदर फेल हुए, क्योंकि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे रखा है, दोनों डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो अब यहाँ पे देखो दोनों के अंदर कितने हैं, ये है फर्स्ट केस के अंदर कितना है, पहले सबका टोटल निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल तो सभी में आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार सभी का टोटल देख लेते हैं, ये हो गया 28, 14, 6 और 64, तो ये हो जाएगा आपके पास में 112, ठीक है। हाँ जी दूसरे केस में आ जाएगा ये सेक्शन का 107, तीसरे का है 80, और जो फोर्थ है, फोर्थ वन का आपका आ गया 131, क्लियर है, 131 है ये, एक मिनट साफ साफ लिख देते हैं, दिस इज 131, क्लियर। आप देखो ए सेक्शन का देखें, तो ए सेक्शन के अंदर अगर आप इन दोनों को टोटल करते हो तो कितना हो गया, 8 और 4 12, 3 और 1 4, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने पास में 42, ये जो ए सेक्शन है ए के सामने ही ए का लिख देती हूँ मैं अभी आपके लिए, तो कितना हो गया ये आपके पास 42, और डिवाइडेड हमारे पास में कितना करेंगे हम, टोटल टोटल कितना था हमारे पास 112, सो डिवाइड बाय 112 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल सॉल्व एंड गेट द परसेंटेज। परसेंटेज देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, दिस इज 37.5%, ओके। कैलकुलेशन का पार्ट एक बार खुद से कर लेना। दूसरा है बी सेक्शन, अगर हम बी सेक्शन की बात करते हैं तो बी सेक्शन के अंदर कितने हो गए, 5 और 3 35 हो गए, ठीक है जी। तो और टोटल कितना था हमारे पास में 107, दैट मीन्स 35/107 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बच्चे 32.71%, ओके। हाँ जी, सो सी का देखते हैं उसके बाद में, सी के अंदर देखिए ये हो गया 17 और 8 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और टोटल कितना है 80, सो 25/80×100, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 31.25%, ओके। नेक्स्ट देखिए डी का, डी का अगर हम देखते हैं तो डी के अंदर हो गया आपके पास 40, दिस विल बी 40 डिवाइडेड बाई 131 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड द वैल्यू विल बी 30.53%, ओके। अब यहाँ पे देखो सबसे कम किस में है, तो सबसे कम कितना है अपने पास में 30.53%, सो आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है, बिल्कुल इजी है,
सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अंदर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। दोबारा बता देती हूँ क्या है अपने पास में, रिपीट करते हैं। उसने कहा है कि मिनिमम फेलियर रेट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो मिनिमम फेलियर रेट के लिए हमने फेल देखना है। अब जो दोनों के अंदर फेल है वो आपका हाफ ईयरली में तो फेल होगा ही होगा, इन दोनों का टोटल क्या है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, क्योंकि रेट फाइंड आउट करना है आपको। सेकेंड के अंदर दोनों का ऐड किया, डिवाइडेड बाई 107, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। थर्ड वन के अंदर 17 + 8 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 27 + 13 डिवाइडेड बाई 131 इंटू 100। ठीक है, अब कई बार क्या होता है माइंड में कि है ना सिर्फ इनको टोटल कर लो। अब अगर आप इनको टोटल करके आंसर करके आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा देखो, क्योंकि अगर हम इन दोनों का टोटल देखते हैं, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 42 आ रहा है, दिस इज 35, दिस इज 25 एंड 40। ठीक है, अब हमारे माइंड में क्या आता है कि 25 सबसे कम है, तो हम सी को आंसर करके आ जाते हैं, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि उसने क्या कहा है, रेट फाइंड आउट करना है और रेट आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। डन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन डीआई वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच सेक्शन हैज मैक्सिमम सक्सेस रेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, सक्सेस रेट मैक्सिमम किसका है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस रेट सबसे ज्यादा किसका है। दैट मीन्स कि जो दोनों के अंदर पास हुए हैं और जो एनुअल एग्जाम के अंदर पास हुए हैं उन दोनों का टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि द एग्जाम में ये है आपके पास में टोटल जो है पास कितना है, 64 है, टोटल क्या है 64 है, और जो आपका एनुअल के अंदर पास हुए हैं, एनुअल के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा उसने, स्टूडेंट्स फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, बट वो क्या है, पास है किसके अंदर, एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में कितने आ रहे हैं, 14 है, डन। ओके, अब यहाँ पे दूसरे केस में 55, 12, 46, 8, this and this क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टोटल। ओके, तो कर लेंगे आप लोग, चलो एक बार मैं बता देती हूँ कितना आएगा। तो टोटल अभी हमने किया था, क्या था हमारे पास में टोटल, अभी हम टोटल करके हटके हटे हैं, ये क्या था अपने पास में 112, ठीक है, ये था 107, दिस वन वाज 80 एंड दिस इज 131। ओके, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर कितना आ गया, 64 + 4 हो गया 68, 78 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं, 78 डिवाइडेड बाई टोटल 112 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड द वैल्यू विल बी 69.64%। ओके, एक बार फिर भी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, इन दोनों को आप ऐड करोगे, दिस विल बी 67 डिवाइडेड बाई 107 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड द वैल्यू विल बी 62.62%। डन, नेक्स्ट सी का देखते हैं, सी का 46 + 8 = 54 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड द वैल्यू विल बी 67.5%। नेक्स्ट है डी, डी का देखिए क्या है, दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस विल बी 89, सो 89 डिवाइडेड बाय 131 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द वैल्यू विल बी 67.94%। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैक्सिमम पूछा उसने, क्या कहा है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका जा रहा है, अपना ए का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, यस दिस इज द नेक्स्ट, विच सेक्शन हैज मैक्सिमम पास परसेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन।
अब यहाँ पे कीवर्ड उसने क्या यूज किया, एट लिस्ट। एट लिस्ट मीन्स कम से कम एक में तो हो, मतलब कि जो आपका हाफ ईयरली के अंदर पास है, एनुअल में फेल है उसको भी कंसीडर करना है साथ में आपने, जो हाफ एनुअल में फेल है ठीक है और हाफ ईयरली में पास है उसको भी कंसीडर करना है। दैट मीन्स इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है और साथ में जो पास है उनको तो करना ही है। तो फर्स्ट केस के अंदर 14, 6 एंड 64 तीनों को आप कंसीडर करोगे ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर ओके, इनका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू नो दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे कितने थे, 112, 107, 80 एंड 131। क्लियर है। अब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का अगर हम देखें तो कितना आ रहा है टोटल, ये हो गया आपके पास में 20, 84 हो गया। तो ए का कितना है 84 डिवाइडेड बाई 112 into 100। डन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75%। सेकंड बी का देखते हैं, बी का कितना आ रहा है आपके पास में, ये हो जाएगा 5, 7, 12, 12 और 2, 14, 5, 6, 6, 7 और 1, 8 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 84 डिवाइडेड बाय 107 into 100 एंड द वैल्यू विल बी 78.5%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी का, ठीक है इनको आप टोटल करोगे, ये हो गया 9, 8, 17, 17 और 6, 23, 23 और ये हो गया आपके पास में 63। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 63 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो दिस विल बी 78.75%। नेक्स्ट है डी, डी का अगर आप चेक करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 104 डिवाइडेड बाय 131 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड द वैल्यू विल बी 79.39%। ओके, तो क्या क्वेश्चन था, विच सेक्शन हैज मिनिमम पास परसेंट, सॉरी मैक्सिमम पास परसेंट, मैक्सिमम पास परसेंट। अब यहाँ पे देख रहे हो आप मैक्सिमम पास परसेंट किसकी आ रही है, डी का आ रहा है ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे वो सभी डिस्कस किए हैं। हाँ जी, जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और जिन्होंने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो आप रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियोज़ बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा जो जो कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं आपके पास में दो ऑप्शंस है, दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।